हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम ऑल। आपको लगभग लगभग ये पीडीएफ नज़र आ रहा होगा और धीरे धीरे चलो वेट कर लेते हैं बाकी जनता के भी आ जाने का, क्योंकि जनता जनार्दन आएगी तभी हम चीज़ों को शुरू कर पाएंगे। और मैं आशा करता हूँ आप लोग सीरियसली इस वीडियो को फॉलो करेंगे। चलिए तो वेट कर रहे हैं अपन लोग। तो लोग धीरे धीरे आते जा रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी, गुजरात की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो नई पोस्ट आई है उसके बारे में। GSECL इसका फुल फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म हमारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। वडोदरा में बेसिकली है ये और काफ़ी अच्छी, इन्होंने दो वैकेंसीज निकाली हैं। एक निकाली है विद्युत सहायक की, ठीक है, विद्युत सहायक की एक इनकी पोस्ट निकली है जिसे हम लोग जूनियर इंजीनियर बोलते हैं। एक बात मैं पहले ही आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये जितनी भी वैकेंसीज निकली हैं ये सारी की सारी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ये आपको देंगे, जिसके बाद परमानेंसी की बात करेंगे। गुजरात में अधिकतर जितनी भी वैकेंसीज आती हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ही होती हैं, GPSC को छोड़कर। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हमारे यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वैसे ही गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन GPSC कहलाता है। वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है जो कि स्टेट PSC एग्जामिनेशन को करवाता है। तो यहाँ पर आपके जैसे सिविल सेवाएं होती हैं, हम लोग बोलते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसी के एवज में यहाँ पर GPSC के द्वारा भी इनकी खुद की स्टेट की सर्विसेज निकलती हैं, है ना। तो बात करते हैं, तो इन्होंने टोटल 2 वैकेंसी निकाली है, एक है जूनियर इंजीनियर की और दूसरी वैकेंसी जो निकाली गई है ये है विद्युत सहायक। यहाँ पे प्लांट अटेंडेंट के बारे में बातचीत की गई है, ठीक है। तो टोटल 2 टाइप की वैकेंसीज अभी निकली है। एक वैकेंसी है हमारे पास जूनियर इंजीनियर की और दूसरी है प्लांट अटेंडेंट की, ठीक है। चलिए तो हम एक एक को थोड़ा सा समझते जाते हैं कि कहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, किन के लिए क्या क्या शर्तें रखी गई। शर्तें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट हु कैन अप्लाई और हु सो एवर कैन नॉट अप्लाई, ठीक है। वॉट आर द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, UPSC जैसे हम लोगों ने अभी देखा था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर एज लिमिट और स्टेट सर्विसेज के अंदर एज लिमिट का कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इन UPSC और इन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन व्हाटसोएवर बी द एग्जामिनेशन इज, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस ऑफ एज, ओके। सो इन केस ऑफ UPSC द मैक्सिमम एज विच इज एलिजिबल टू गिव टू राइट अ पेपर इज ईदर 30 or 32 years, या तो वो 30 साल होती है या 32 साल होती है UPSC के केस में। लेकिन अगर हम स्टेट सर्विसेज की बात करें तो स्टेट सर्विसेज में ये एज कहीं पर 35 साल होती है और कहीं पर 40 साल होती है। सो द मैक्सिमम एलिजिबिलिटी फॉर स्टेट सर्विसेज वेरीज इन बिटवीन 35 ईयर्स एंड 40 ईयर्स ऑफ एज। सो हमें इन चीज़ों के बारे में भी बात करना है। सो GSECL बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाकी डिफरेंट स्टेट्स के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है। जैसे कि आप अगर राजस्थान की बात करेंगे सो RVUNL हमारे यहाँ निकलता है,
तो शुरू करते हैं विद्युत सहायक से। याद रखना एक बात, फॉर जूनियर इंजीनियर्स ऑल दी इंजीनियर्स आर एलिजिबल। अगर आप एक इंजीनियर हो तो आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। एंड अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं, अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो फिर आप किस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे, हम तब एलिजिबल हो जाएंगे हमारे प्लांट अटेंडेंट के फॉर्म में। प्लांट अटेंडेंट होने, अगर आप प्लांट अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिप्लोमा होल्डर हों। ठीक है, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है जिन्होंने डिप्लोमा और इंजीनियरिंग दोनों कर रखी है। ठीक है, इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ डन डिप्लोमा एंड ऑल्सो हैज़ डन इंजीनियरिंग, दैट इज़ बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी और बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, दैट पर्टिकुलर इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल स्टूडेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट बिकॉज ही कैन अप्लाई फॉर बोथ द एग्जामिनेशंस। ओके, सो अगर आप इंजीनियर हैं तो आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं प्लांट अटेंडेंट के तौर पर। सबसे खास तौर पर जो बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है वो ये है, इन दोनों वैकेंसीज में एक चीज़ मेंशन की गई है, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव वैकेंसीज दैट वी कैन सी, बट अगेन विद दीज वैकेंसी देर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू कंसिडर, और वो क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको जैसे कहा था द एज क्राइटेरिया इज 35 ईयर, वाइल इफ वी कंसिडर द सेम फॉर UPPSC दैट इज फॉर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशंस, द एज क्राइटेरिया इज फॉर 40 ईयर्स, सो इफ यू आर बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज देन यू कैन अप्लाई फॉर UPPSC पोस्ट। इन RPSC ऑल्सो द सेम थिंग फॉलोज, RPSC के केस में भी वो सेम चीज़ जो है वो फॉलो करती है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पर एक बात इन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखी है, द वैकेंसीज विद रोस्टर पोजीशन मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट एंड सब्सिक्वेंट वैकेंसीज टू रिटायरमेंट। इसका मतलब क्या है कि ये जितनी भी वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है ये टेंटेटिव वैकेंसीज नहीं है, दे आर नॉट द फिक्स्ड वैकेंसीज, दे कैन वेरी। ठीक है, और चांसेस यही हैं कि आने वाले एक साल के अंदर जब भी ये रिक्रूटमेंट होगा, रिक्रूटमेंट होने में एटलीस्ट 5 to 6 months तो लगेंगे, तो जब ये रिक्रूटमेंट, जब भी एग्ज़ाम की डेट आएगी तब तक वैकेंसीज में कुछ उथल पुथल हो सकती है, और उथल पुथल का बेसिक मतलब ये है कि इस समय कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज करेंगी, सो देयर माइट बी अ चांस दैट आफ्टर नियरली 1 year और आफ्टर नियरली 5 to 6 months when there will be the notification for your examination or the commencement of examination, there might be a chances that the total number of vacancies might get increased. This is due to the reason that because of the COVID, many state service examinations or many what we can say that electricity board examination did not take place. So there might be a chance in the form of increasing vacancy, so we can see that also, ये हमें दिख सकता है। ठीक है, सो याद रखना ज़रूरी नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा है ज़रूरी नहीं है कि कोई ये बोले कि हम यहाँ पर इन ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैकेंसीज अप्लाई करे थे और वैकेंसी बाद में कम हो गई या बढ़ गई, ये बात इन्होंने साफ साफ लिखी हुई है, पर चांसेस वही हैं कि वैकेंसी बढ़ सकती है। मैं स्टिल आपको क्लियर चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, बट एट प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 155। ठीक है, अब एक बात हमें और याद रखनी है यहाँ पर अप्लाई करते वक्त, वो ये है इन टोटलिटी 85% ऑफ द सीट्स, जितनी भी सीट्स हैं, जितनी भी वैकेंसी हैं, उनका 85% गुजरात के लोगों के लिए रिजर्व है, ये बात याद रखना। सो इफ़ यू आर फ्रॉम गुजरात और इफ़ यू हैव अ डोमिसाइल ऑफ गुजरात, देन फॉर यू द टोटल वैकेंसी दैट इज़ from the total vacancy, 85% of the vacancies are basically reserved. So, अगर बाकी branches की बात की जाए, किन branches के लिए इस examination को देना मतलब मेरे हिसाब से ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है और इनको नहीं देना चाहिए, वो है एक तो electronics and communication वाले बच्चे, if you are from EC branch,
एंड यू आर फ्रॉम अदर स्टेट देन ओनली टू वैकेंसीज आर देयर फॉर यू, टू भी नहीं 1.5 है, तो डेढ़ वैकेंसी आपके लिए हैं. सेकेंड इज द इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच, बिकॉज हियर ऑल्सो द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर नियरली 3. एंड फॉर जूनियर इंजीनियर मेटलर्जी आपके लिए यहाँ पर सीट ही नहीं है. ओके, एंड ऑल्सो वी कैन से दैट द सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इन्हें भी दूसरे ब्रांच के सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी एग्जाम फॉर्म भरने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि आपके लिए मात्र 4 वैकेंसी है. तो इन टोटलिटी यू हैव 4 वैकेंसीज फॉर सिविल इंजीनियरिंग. सो किन किन के लिए ये एग्जामिनेशन अच्छा है, वो है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स. फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स द टोटल वैकेंसीज फॉर अदर ब्रांचेस सम अप टू बी 10 ओनली. सो 10 वैकेंसी आप लोगों के लिए बचेगी जो अदर स्टेट से हैं. भरने से पहले सोच सकते हैं, पर मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि ज़्यादा होप्स लेकर इस एग्जामिनेशन के पीछे मत भागिएगा. अगर आप गुजरात रीजन के हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं, देन दिस वैकेंसी इज़ फॉर यू, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है. सेम गोज फॉर दी डिप्लोमा होल्डर्स. अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो एक बात याद रखिएगा, फॉर मैकेनिकल द डिप्लोमा होल्डर्स कैन अप्लाई फॉर अ नंबर ऑफ 69 पोस्ट, बट आपके डिप्लोमा होल्डिंग की डिग्री आपको उन्हें दिखानी पड़ेगी, ये बात याद रखना. और अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं एंड इफ़ यू आर अ डिप्लोमा होल्डर यू कैन अप्लाई, द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 50 फॉर यू. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपने डिप्लोमा और बीटेक दोनों दिया है सो डिप्लोमा के बेसिस पे आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. बीटेक का मेंशन वहाँ पर नहीं करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. एक बात याद रखना, इन्होंने साफ साफ शब्दों में बोला है कि बीई और बीटेक वाले बंदे अप्लाई ना करें, आप ओवर क्वालिफाइड हैं. सो इफ़ यू आर अ डिप्लोमा होल्डर देन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ओनली अप्लाई विद योर डिप्लोमा डिग्री. But if you have diploma and BTech both, then also you have to apply on the basis of diploma degree. Now, second very important thing, दूसरी सबसे important बात, the centers will be allocated in Gujarat only. So you might find the centers like Surat, Vadodara, Ahmedabad, Gandhinagar, Vapi. These are some of the prominent centers that you might get. Just remember this thing, अगर आप किसी और state के हैं और आप गुजरात आने के लिए या फिर गुजरात आना नहीं चाहते हैं तो ये एग्जामिनेशन आपके लिए नहीं है, ठीक है. बिकॉज द लोकेशन दैट यू गेट आफ्टर व्हाट वी कैन से दैट आफ्टर द जॉब कंफर्मेशन इज आल्सो अ लोकेशन इन गुजरात. ओके, एंड द सेकंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड गुजराती. गुजराती इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, एक बात याद रखिएगा. जब आप गुजराती और इंग्लिश के वर्ड्स को देखोगे तो बहुत सारे वर्ड्स हमारे कॉमन हैं और कई सारे वर्ड्स हम लोग देख देख कर सीख सकते हैं. I've been to Gujarat many a times. I've been to Gujarat and I know that the language is very much easy. But if you want to speak that particular language, that might take 2 to 3 months to learn. Okay, it is not impossible. You can try to understand the language. But just one very important thing that we have to understand is, you are going into a very new environment and you have to adhere all the situations that presents there. Okay, so you have to follow their rituals, you have to follow their things, and sometimes there might be a situation where only Gujarati is required. So in that situation, if you get selected at that particular position, you might have 3 to 4 months to actually get a grasp over the Gujarati language. That will be very much easier for you, because hum log engineers hain aur ek baat hum ye jante hain ki hum engineer hone ke baad दुनिया की किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं लिमिटेड समय में. तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है. रिन्यूमरेशन की बात करते हैं. फॉर अगर हम लोग बात करते हैं डिप्लोमा कैंडिडेट्स, द रिन्यूमरेशन फॉर वेरी फर्स्ट ईयर विल बी 17,500 रुपी एंड फ्रॉम द सेकेंड ईयर द रिन्यूमरेशन विल बी 19,000 एंड फ्रॉम थर्ड टू फिफ्थ ईयर द रिन्यूमरेशन विल बी 20,500 रुपीज. याद रखना, और कोई रिइम्बर्समेंट ये लोग नहीं देंगे, लेकिन टीए और डीए, ठीक है, टीए डीए का रिइम्बर्समेंट ये लोग अकॉर्डिंग टू जीएसओ 333 ये देंगे आपको. तो जीएसओ 333 जो कि बहुत पुराना एक स्टेटमेंट है, उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और एक बात याद रखना, 5 साल पूरे होने के बाद, आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ 5 ईयर्स, यू हैव टू वर्क फॉर 5 ईयर्स, दैट इज़ इट. आप छोड़ नहीं सकते हो 5 साल तक.
5 साल पूरा होने के बाद ये आपको 26,000 से लेकर 56,000 का जो ग्रेड पे है इनका, उस पे स्केल पर वहाँ पर परमानेंट कर देंगे एज अ अटेंडेंट। ठीक है, 5 साल आपका प्रमोशन नहीं होगा, आप वहाँ पर प्लांट अटेंडेंट ही रहेंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, द एज लिमिट इज़ गिवन। हाँ, एक बात जो हमें समझनी है, मैंने पहले इस एग्जामिनेशन को अच्छे से समझा दिया, तो जो हमें यहाँ पर याद रखनी है वो क्या है, वो ये है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन 25 अगस्त से, ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 अगस्त से चालू होंगी और 14 सितंबर तक यहाँ पर रहेंगी। इन्होंने लिखा है गुजराती की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बट ये स्टेटमेंट जनरलाइज किया है इन्होंने, सो दिस इज़ अ जनरल स्टेटमेंट, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि गुजराती में पेपर होगा, द पेपर विल बी इन इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश, बट आफ्टर सेलेक्शन ये लोग चाहेंगे कि आपको गुजराती आनी चाहिए, एक अच्छी गुजराती आनी चाहिए, ये ऐसा मांगेंगे आपसे, जिन्हें सीखा जा सकता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बीई बीटेक होल्डर्स यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, इनके लिए वो ज़रूरी है। ठीक है, और याद रखना आपको अंत तक, अभी भी बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों होल्डर्स हो सो आपको डिग्री अपनी सबमिट ही नहीं करनी है, दिखानी ही नहीं है, इवन ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू शो। ये पहले एग्जामिनेशन की बात है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अभी तक हमें इन्होंने टेंटेटिव डेट नहीं दी है कि कब आपका एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन बेसिकली जो है वो ऑनलाइन मोड से होगा और एग्जामिनेशन के टोटल 5 सेक्शन रहेंगे, जिसमें पहला सेक्शन गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर, याद रखना गुजराती लैंग्वेज और ग्रामर सिर्फ 10% मार्क्स, यानी कि 10 नंबर के पेपर में आएगी, ओनली 10 मार्क्स। एंड मैं आपको आने वाले समय में एक दो अच्छे अच्छे सोर्सेज बता दूंगा जहाँ से आप यही चीज़ बहुत कम कॉस्ट में या फिर फ्री में पढ़ सकते हैं, सो ये आप मुझ पे छोड़ दीजिएगा, इसके बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन लाता रहूँगा। बाकी आपको GK पढ़नी होगी, आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, कंप्यूटर की नॉलेज है, ये कंप्यूटर के टॉपिक्स हो गए रैम रोम, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जिन लोगों ने ICT पढ़ा है, जिन लोगों का ICT अच्छा है, वो कंप्यूटर नॉलेज अच्छे से कर लेंगे। अदर देन दैट हमारे कोर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की बातचीत है, सो मैकेनिकल में बाकी लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि यू कैन सी द टोटल सिलेबस इज व्हाट वी आर स्टडिंग फ्रॉम फॉर द ESC पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज का ही टोटल सिलेबस डाला हुआ है, दैट इज मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, मशीन्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल, मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे पास आते हैं जिसे हम लोग MMT बोलते हैं, न्यूमैटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, प्रोडक्शन डिज़ाइन, इंजीनियरिंग ड्राइंग ये हम लोग पढ़ते हैं, डिज़ाइन कैलकुलेशन GD&T आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। अदर देन दैट देर इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, हीट एंड सरफेस ट्रीटमेंट, हीट एंड मास ट्रांसफर, मेट्रोलॉजी एंड थर्मल इंजीनियरिंग। सो बेसिकली बात की जाए तो प्योर कोर मैकेनिकल सब्जेक्ट्स यहाँ पूछे गए हैं। यहाँ पर सेम बात इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी आ रही है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी लगभग लगभग ESC का ही सिलेबस यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, सो आपसे ESC का पेपर रहा जाएगा, पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और गुजराती लैंग्वेज में गुजराती पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है और 1/4 यहाँ पे आपका वो रहेगा। ठीक है, समझ में आया, तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। याद रखना यहाँ पर भी इन्होंने साफ साफ बोला है कि मिनिमम 50 नंबर आपको कट ऑफ पार करने के लिए चाहिए होगा, 50 नंबर्स कट ऑफ पार करने के लिए चाहिए, यानी कि जो 10 नंबर का गुजराती पेपर है अगर आप उसमें एक आध क्वेश्चन भी सही कर देते हो, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सारी चीज़ें आपके टेक्निकल और कंप्यूटर के नॉलेज पर ही डिपेंड करने वाली है। अभी भी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, तो पेपर देते वक्त आपके दिमाग में ये सारी बातें पहले से ही रहनी चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, जैसे कि एक सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने क्या दिया है कि आप जो भी एग्जामिनेशन देने आ रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आप मेरिट में रैंक बनाते हैं, आपकी फर्स्ट रैंक आ सकती है और किसी और स्टूडेंट की भी फर्स्ट रैंक आ सकती है, आप दोनों के मार्क्स सेम हैं, उस सिचुएशन में ये डेट ऑफ बर्थ के थ्रू पता करेंगे
तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसे प्रेफरेंस मिलेगी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ कम होगी, जिसकी एज छोटी होगी, उसे रैंक सेकंड मिलेगी उस सिचुएशन के अंदर। तो ये वाली हमारी सारी बात लगभग आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बात याद रखना कि गुजराती आना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, मिनिमम 85% ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन सेलेक्शन विल बी ऑफ लोकल रेसिडेंट ऑफ गुजरात, ठीक है। यानी कि 85% सीटें जो हैं वो गुजरात के लोगों के लिए यहाँ पर सिक्योर्ड हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है कि एक स्टेट अपने स्टेट के लोगों को जॉब तो देगा ही देगा, सबसे ज़्यादा उनकी मेन प्रायोरिटी वही रहती है। बाकी सीटें जो हैं 15% उसमें बाकी ब्रांच के बच्चे आएंगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इन केस ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन हमारे पास टोटल 45 इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज हैं, 55 मैकेनिकल की वैकेंसीज हैं, लगभग लगभग बात की जाए तो इंस्ट्रूमेंटेशन की 19 वैकेंसीज, 19 वैकेंसीज हमें दिख रही हैं, 10 वैकेंसीज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की हैं, एक ही वैकेंसी हमें मिल रही है मेटलर्जी की, एंड 25 वैकेंसी हमें सिविल इंजीनियरिंग की नज़र आ रही है। सिर्फ बीटेक वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा, बट द सैलरी दे आर गिविंग इज़ कंपैरेटिवली गुड। यहाँ पर फर्स्ट ईयर ये आपको 37,000 रुपीज़ की सैलरी देंगे, एंड सेकेंड ईयर से आपकी सैलरी लगभग 39,000 हो जाएगी। देखो सारे छोटे मोटे पर्क जो आपको TA DA के फॉर्म में यहाँ से मिलने वाले हैं वो मिला के हम लोग 45,000 तक की सैलरी यहाँ पर आपकी पर मंथ देख सकते हैं। बट ये 5 साल तक वैसी की वैसी रहेगी, उसके बाद आपको 45,400 से 1,01,200 रुपीज़ तक की ये सैलरी ऑफर करेंगे पे स्केल के फॉर्म में आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर इसने साफ साफ शब्दों में बोला है कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जिसको कंप्यूटर ऑपरेशंस आते हों, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेट करना आता हो, और दूसरा जिस बंदे की कमांड इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज में हो। तो ये बात याद रखना, यहाँ पर बाहर के लोग कहाँ पर खेल सकते हैं कि उनके लिए गुजराती लैंग्वेज में बहुत अच्छा होना तो ज़रूरी नहीं है, इन्होंने रिक्वायर्ड स्किल में इंग्लिश भी मांगी है जिससे आप लोग खेल सकते हो, ठीक है। और अगर आगे बात की जाए, एज लिमिट के बारे में मैंने बता ही दिया है, किनको क्या क्या बेनिफिट्स नज़र आएंगे वो आप देख सकते हैं। पर मोर ओवर एक बात याद रखना, कहाँ चला गया, हाँ, गुजराती की नॉलेज इन्होंने भी बोली है कि आपके अंदर होनी चाहिए। सो ये बात याद रखिएगा, ये बात सबके लिए है कि गुजराती तो आपको सीखनी ही पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। हाँ, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, यहाँ पर जनरल नॉलेज जो कि 10% आ रही है, बहुत ज़्यादा GK पे टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये बात आप यहाँ से देख सकते हो कि हमें GK में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, 10 ही नंबर का है और 50 नंबर कट ऑफ के चाहिए रहते हैं। बाकी लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो 10% मार्क्स आपको इंग्लिश नॉलेज के मिलेंगे, एंड लगभग लगभग 60% मार्क्स आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रहेंगे। इसमें एक पेपर आपका GK एंड गुजराती, एक कंप्यूटर लैंग्वेज का और एक पेपर आपका गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर का भी रहेगा। समझ में आया, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर बात की जाए मैकेनिकल में भी सेम ही सिनेरियो उन्होंने दोहराया है, मैकेनिकल में आपको मैकाट्रॉनिक्स रोबोटिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो इन्जॉयमेंट है आप लोगों के लिए। सिलेबस सारा ESE वाला, सारा ESE वाला, सिर्फ मैकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स नहीं जोड़ा गया है। तो आप देखेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल्स, थ्योरी ऑफ मशीन वाइब्रेशंस, मशीन डिज़ाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र, थर्मोडायनेमिक्स, उनके एप्लीकेशंस, इंजीनियरिंग मटीरियल, कास्टिंग, फॉर्मिंग, जॉइनिंग प्रोसेसेस, मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशंस, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड ऑपरेशन रिसर्च। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए, वही ICT जिसको आता है उसके लिए काम हो जाएगा, क्योंकि आपको RAM, ROM, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, इन सब के बारे में बात करनी है। आखिरी में गुजराती लैंग्वेज और ग्रामर आपको पढ़नी रहेगी। सिमिलरली इंस्ट्रूमेंटेशन का भी हमें दे रखा है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है इसका सिलेबस डिफाइंड नहीं है, पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली माइक्रो प्रोसेसर आपका टॉपिक रहता है, ठीक है।
एंड ऐसे ही यहाँ पर आपको यहाँ दिख जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ आता है ये, सॉरी डिजिटल सर्किट्स में आपका माइक्रो प्रोसेसर आता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में यहाँ पर आपसे माइक्रो प्रोसेसर वाला टॉपिक भी पूछा जाएगा। तो ये आपका लगभग लगभग सारा सिलेबस है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, आप एक बार इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। चीज़ें थोड़ी सी आसान हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, पेपर आप आराम से कर सकते हैं क्वालिफाई, ठीक है। और यहाँ इन्होंने ये बात भी साफ साफ मेंशन कर दी है कि पूरा पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो ये आप लोगों के लिए एक और बेनिफिशियल है, बेनिफिट वाली थिंग है कि आप लोगों के लिए पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में बनेगा। हेलो राहुल, वेलकम। हाँ, HAL इंटरव्यू की टिप्स, मैं एक सेम सेशन HAL के इंटरव्यू के लिए भी लेके आऊँगा, वहाँ पे हम लोग HAL के बारे में बातचीत करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका HAL का अगर रिटर्न पेपर निकल गया है तो। देखो बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सबसे ज़्यादा जिन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछेगा वो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, थर्मल का पोर्शन है, थर्मल जिसे हम लोग प्योर थर्मल बोलते हैं, एंड तीसरा पोर्शन जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जा सकता है वो है मटेरियल साइंस। इन तीन टॉपिक पे सबसे ज़्यादा अच्छी स्टडी करो कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में हम लोग कौन कौन से मटेरियल का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे वहाँ टाइटेनियम का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर बात की जाए एल्यूमिनियम का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वहाँ विंग्स कैसे बन रहे हैं, उनका डिज़ाइन कैसा है, एरोफोलिक डिज़ाइन किसे बोलते हैं, एरोडायनेमिक शेप कैसे बनता है, ठीक है, ये लिफ्ट क्या होता है, ये वाले क्वेश्चंस वहाँ ज़्यादा पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस पे आपका फोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए राहुल, जैसे लिफ्ट क्या होता है, ड्रैग क्या होता है, ठीक है, या सरफेस फ्रिक्शन कैसे आता है, एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए किन किन पैरामीटर्स पे काम करना चाहिए, ठीक है, या फिर अगर मान लो किसी एयरप्लेन के अंदर सरफेस डिफेक्ट्स आए हैं तो उन डिफेक्ट को कैसे हटाया जाए, इन सब के बारे में बातचीत। तो ये सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं HAL के इंटरव्यूज में। तो आपका मेन पोर्शन यही रहना चाहिए स्टडी का, ठीक है। तो याद रखना, किसी भी अच्छे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए और वहाँ पे आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ों को। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे तेजस है, तेजस कैसे बना, क्या बनाया गया, कौन से सॉफ्टवेयर पर बनाया, आपको पता हो तो तेजस की डिज़ाइनिंग जो है वो कैटिया पर की गई है, ठीक है। V5 कैटिया का जो V5 वर्जन है, V5 R20, उस वर्जन पे उन्होंने कैटिया को बनाया था, कैटिया के उस वर्जन पे उन्होंने तेजस को बनाया था। तो तेजस की डिज़ाइनिंग कैसे की गई है, डिज़ाइन कंसिडरेशंस क्या क्या थे, ठीक है। GDN एक टॉपिक आता है, ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस, वो कैसे लिया जाता है, ठीक है, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा खबर होनी चाहिए, ओके। सेम बात इन्होंने भी कट ऑफ वही बोली है कि 50 नंबर तो मिनिमम कट ऑफ रहेगी ही रहेगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वैकेंसी थ्रू आउट द ईयर रहने वाली है, यानी कि ये पूरे साल भर की वैकेंसी है और इसमें वेरिएशन आ सकता है। हाँ बिल्कुल, मेड इजी अपना खुद का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाता है और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन अभी चल भी रहे हैं, ठीक है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन अभी चल भी रहे हैं मेरी जी में, आप आराम से आइए, चेक करिए ऑनलाइन, इनके पोर्टल्स पे भी दे रखा है, और वहाँ ज्वाइन हो जाइए अपने रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम के लिए। आपके ऑनलाइन काउंसलिंग्स, ठीक है, अब तो शायद ऑफलाइन काउंसलिंग भी चालू हो चुकी है, ये सारी हेल्प आपको वहाँ मिल जाएंगी, ओके, ठीक है। तो ये सारी बातचीत है इन दोनों एग्ज़ाम के बारे में। तो तीन बातें मैं आपको साफ साफ तौर पे कह देता हूँ। पहला, आपकी टोटल वैकेंसीज कितनी हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो जितने भी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं आपके लिए मोर ओवर वैकेंसी जो हैं वो लगभग लगभग बाहर के, जो आउट ऑफ स्टेट गुजरात के बाहर के लोग हैं उनके लिए टोटल वैकेंसी लगभग लगभग 9 के आसपास है, 9 भी नहीं, 7 से 8 के आसपास है, और मैकेनिकल वालों के लिए वही वो वैकेंसी लगभग लगभग 10 हो जाती है, ठीक है। तो 10 वैकेंसी के लिए आप लोगों को फाइट करना है। दूसरी खास बात जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि आपको यहाँ पर 50 नंबर से ऊपर स्कोर करना है, 60 से 65 नंबर पे आप आराम से कट ऑफ क्लियर करके फाइनल लिस्ट में आ जाओगे। 50 नंबर कट ऑफ है, 60 नंबर से 65 नंबर पे आप आराम से आ जाओगे, जिसमें से 60 नंबर का टेक्निकल पूछा जाने वाला है,
लगभग लगभग 10 नंबर का आपसे पूछा जाने वाला है आपका इंग्लिश की नॉलेज, और 10 नंबर के आसपास आपकी जो आने वाली है, अगर हम लोग देखें तो 10 नंबर के आसपास आपको कंप्यूटर का नॉलेज पूछा जाएगा। तो 60, 70, 80 नंबर तक का तो आपका यहीं पे आराम से जुगाड़ है, जिसमें आप अगर थोड़ी मेहनत करें अच्छे से तो आप आराम से 60 नंबर खेच सकते हैं। 60 नंबर पे आप यहाँ की कट ऑफ निकाल सकते हैं। जिस दिन आपको दिख जाए आपके 60 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, 65 तक नंबर आ रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते वक्त आप थोड़ी थोड़ी गुजराती लैंग्वेज सुनने की और सीखने की कोशिश करिएगा। अगर आप गुजराती लैंग्वेज सुननी और सीखनी, बोलनी आती होगी हल्की हल्की भी, तो आपका काम निपट जाएगा। अभी इन्होंने कहा है कि गुजराती लैंग्वेज इज़ एसेंशियल, बट इनको इंग्लिश ज़्यादा डिज़ायर्ड है, तो आप यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में अपना परचम दिखा सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, सिविल वाले, थोड़ा सोच कर ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने का सोचिएगा। आप लोगों के लिए दूसरी जीपीएससी की जो वैकेंसी आई है, जिसमें 200 से ज़्यादा सीटें हैं, लगभग लगभग 150 से ज़्यादा सीटें हैं, आप उसके लिए फोकस करें, या फिर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वैकेंसी आई है उसके लिए आप लोग सोचें। एक बात और बता दूंगा मैं, आने वाले कुछ समय में आशा की जा रही है कि RPSC AN, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट इंजीनियर की वापस से वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, पूरी आशंका है कि इस साल के अंत तक, यानी कि अक्टूबर नवंबर महीने के अंदर, आपको RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी वैकेंसी का भी अच्छे से निचोड़ आपको बता दूं। और आप लोगों के लिए एक ख़ास बात जो मैं करने वाला था वो ये था, कई सारे बच्चे पूछ रहे थे मुझसे, काफ़ी समय से मैसेज कर रहे थे कि सर ये जो SSC है, जो कि रेलवेज़ की नई भर्ती निकल सकती है, जिसके बारे में अभी काफ़ी हद तक बातें चल रही हैं, अभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने भी इसके बारे में आधिकारिक तौर पर एक घोषणा भी की है, जिस घोषणा में उन्होंने ये बात साफ साफ कही है कि SSC का रिक्रूटमेंट जो है वो हम लोग दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, हम उसे रीस्टार्ट कर रहे हैं उस रिक्रूटमेंट को। तो उस रिक्रूटमेंट में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ये मैं आपको एक SSC में मेरे स्टूडेंट जो हैं हेतराम, ठीक है, उनके माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। तो कल लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच में ही एक लाइव सेशन होगा यूट्यूब पर, जहाँ पर हेतराम मेरे साथ आएंगे, हम दोनों स्क्रीन शेयर करेंगे और आप लोगों के पास मौका होगा सवाल पूछने का। कुछ सवाल मेरे होंगे, कुछ सवाल मैं चाहूँगा आप कमेंट सेक्शन पे टाइप करके हमें बताइएगा, जिससे मैं ये चाहूँगा SSC के रिगार्डिंग आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। जैसे सबसे पहली चीज़, वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ पर कैसा है, वर्क प्रोफाइल कैसा है, SSC कैसी जॉब है, सैलरी कितनी मिलती है, ज्वाइनिंग उनकी कैसे हुई थी, उन लोगों ने ज्वाइनिंग कैसे ली थी, और अब रिक्रूटमेंट कैसे हो रहा है, उसके अलावा और कौन कौन से एग्जामिनेशन हैं जिनकी वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी बातें हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो कल का जो सेशन है लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच में होगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी डाउट हैं वो पूरे वहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस सेशन में आपसे विदा लेना चाहूँगा, मिलते हैं कल के सेशन में। याद रखिएगा, अपने डाउट्स जो हैं उन्हें पॉइंट आउट करके लिख लीजिएगा कहीं पर कि मुझे SSC में हीतराम सर से, या जो भी, जिनको भी मैं लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा कि वो अपने साथ किसी और ब्रांच के एक और टीचर को ले आएँ, किसी और ब्रांच के किसी और सहकर्मी को ले आएँ जो उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको ले आएँ, ताकि हमें एक विविड नॉलेज मिल सके उनके काम के बारे में और उनकी पोस्टिंग के बारे में, प्लस उनकी प्रिपरेशन के बारे में भी हमें कुछ बातें सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। सो बाय दिस, थैंक यू। मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।